Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is individual level. चूँकि आपको पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें हम पहले इंडिविजुअल लेवल से ऊपर के जितने लेवल्स हैं उसको कवर कर चुके हैं. मैंने साइट पे इसीलिए ये स्केच बनाया है ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि हमने अभी तक कितने लेवल्स को डिस्कस कर लिया है. तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल, फिर डिस्कस किया मॉलिक्यूलर लेवल एंड ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, फिर डिस्कस किया टिश्यू लेवल, और फिर हमने पढ़ा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. तो आज हम जो लेवल स्टडी करेंगे वो है इंडिविजुअल लेवल. इंडिविजुअल लेवल को हम ऑर्गेनिज्म लेवल भी कहते हैं. इंडिविजुअल लेवल इज आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिज्म लेवल. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि जब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं, मतलब ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरा इंडिविजुअल बना देते हैं, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं. तो चूंकि उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, किसी भी स्पीशी का हो सकता है, वो इंसान हो सकता है, वो कोई भी इंसेक्ट हो सकता है, तो स्पीशी कोई भी हो सकती है, ठीक है. लेकिन उसके अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना रहे हैं, एक पूरा इंडिविजुअल बना रहे हैं, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं. सो हम इंडिविजुअल लेवल को ऑर्गेनिज्म लेवल भी कह सकते हैं. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें इंडिविजुअल लेवल की, जैसे हमने देखा कि ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम के मिलने से एक इंडिविजुअल बन रहा है. अब हमने देखना है कि इंडिविजुअल लेवल किस तरह से बनता है. तो डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. यानी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, स्पीशी का एक मेंबर बनाने के लिए ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे. मतलब उसकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो, और फिर सारे ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं, और वो सिस्टम मिलकर आगे क्या बनाता है, पूरे का पूरा एक इंडिविजुअल बनाता है, एक इंसान बनाता है, किसी भी स्पीशी का एक मेंबर बन जाता है. तो उसको हम कह देते हैं एक ऑर्गेनिज्म लेवल. अब ऑर्गेनिज्म लेवल के अंदर फंक्शन किस तरह से होता है, वो काम किस तरह से करता है, जो एक इंडिविजुअल बन गया, एक मेंबर बन गया, उसके बॉडी के अंदर काम किस तरह से किया जाता है. तो उसके बॉडी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी जो काम हो रहा है, कोई प्रोसेस हो रहा है, उसके अंदर तमाम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम एक कोऑर्डिनेशन में मिलकर काम करते हैं. ऐसा नहीं है कि हर ऑर्गन अपना अपना काम करे, कोई किसी के साथ जो है वो नहीं काम करेगा, बल्कि एक सिस्टम होता है पूरा. जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है. सिस्टम का वर्ड हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब एक से ज्यादा ऑर्गन्स मिलकर जो है वो सिस्टम बनाते हैं, ठीक है. एक से ज्यादा ऑर्गन मिलकर काम करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, एक सिस्टम कहेंगे. जैसे एक स्कूल के अंदर एक पूरा एक स्टाफ होता है, ठीक है. बायो के अलग टीचर्स हैं, मैथ के अलग टीचर्स हैं, साइंस के अलग टीचर्स हैं, तो एक अलग अलग टीचर्स मिलकर इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल जो है वो अपनी बुक पढ़ाता है, ठीक है. लेकिन ओवरऑल जो स्टाफ होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक पूरा स्टाफ है हमारा, स्कूल का एक सिस्टम है हमारा, ठीक है. तो इस तरह से ये जो सिस्टम मिलकर काम करते हैं उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन होती है. कोऑर्डिनेशन के बगैर कोई भी सिस्टम कभी भी काम नहीं कर सकता. तो हम कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर फंक्शन, प्रोसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ वेरियस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर कोऑर्डिनेटेड. मतलब जो भी उसमें काम हो रहा है, कोई फंक्शन कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, वो सो रहा है, वो जाग रहा है, वो कुछ खा रहा है, उस सब के अंदर सारे के सारे सिस्टम जो है उसके साथ उसकी हेल्प करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, फिर ही कोई बॉडी जो है, कोई इंडिविजुअल जो है वो प्रॉपर अपनी फंक्शनिंग कर सकता है. तो हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. फर्ज करें एक इंसान, एक शख्स जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है. अ मैन इंगेज इन हार्ड एक्सरसाइज. वो बहुत ही हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है, वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, वो जो है वो पुशअप लगा रहा है, या कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है. अब जो शख्स एक्सरसाइज कर रहा है, क्या आपके ख्याल में अगर वो पुशअप लगा रहा है तो क्या सिर्फ उसके बाजू ही उसका काम कर रहे हैं, बाकी सारी बॉडी रेस्ट में है? नहीं, ऐसा नहीं होता. अगर उसके बाजू काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो वेट लिफ्टिंग कर रहा है, वजन उठा रहा है,
तो अगर उसके बाजू काम कर रहे हैं वजन उठाने के लिए, उसके हाथ काम कर रहे हैं, तो उसके साथ उसकी बहुत सारी जो बॉडी के दूसरे सिस्टम हैं वो भी उसकी हेल्प कर रहे हैं, वो भी उसके साथ काम कर रहे हैं मिलके। तो देखें, अगर कोई शख्स एक्सरसाइज कर रहा है या रनिंग कर रहा है, तेज तेज दौड़ रहा है, या फॉर एग्जाम्पल जैसे एक हम जनरल से एग्जाम्पल लेते हैं कि आप एक बाग में जा रहे हैं या आप एक सड़क में जा रहे हैं, तो आपके पीछे जो है वो डॉग लग जाए, ठीक है, कुत्ता पीछे लग गया, तो अब आपकी स्पीड बहुत ज्यादा जो है वो हाई हो जाएगी, आप बहुत तेजी के साथ दौड़ोगे। तो अब जो दौड़ना और सिंपल पैदल चलना, इसमें डिफरेंस आएगा। तो देखें, जब कोई शख्स तेजी के साथ काम करेगा तो उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो उसकी मदद करेगा। सारी बात है, जब वो तेज तेज दौड़ रहा है या तेज तेज काम कर रहा है तो उसको सांस भी तेज तेज लेना पड़ेगा ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। उसके बाद जब वो तेज तेज सांस लेगा, इसका मतलब है उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ उसका सर्कुलेटरी सिस्टम भी जो है वो बूस्टअप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो तेजी के साथ सांस लेगा उसका हार्ट भी तो जो है वो तेजी के साथ बीट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा। जब हार्ट तेजी के साथ बीट करेगा इसका मतलब है कि ब्लड की जो रवानी है हमारी बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी, ब्लड का फ्लो बहुत तेज हो जाएगा ताकि बॉडी को प्रॉपर जो है वो फूड मिल सके, प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। अब क्यों चाहिए हमें प्रॉपर ऑक्सीजन, क्यों चाहिए हमें सर्कुलेटरी सिस्टम? क्योंकि उसके मसल्स काम कर रहे हैं, वो जब भाग रहा है या जब बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, लिफ्टिंग कर रहा है, कोई वजन उठा रहा है, तो उसमें उसके मसल्स काम कर रहे हैं ना। हम अपने बाजू के साथ कोई भी चीज़ लिफ्ट करते हैं तो इसका मतलब है जो हमारे बाजू के मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं, ट्राइसेप और बाइसेप मसल जिसे हम कहते हैं, वो मसल्स जब तेजी तेजी के साथ काम कर रहे हैं तो उन मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए क्या चाहिए? अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद चाहिए। जब ये तीनों सिस्टम मिलेंगे तो फिर ही एक शख्स जो है वो प्रॉपर अपनी रनिंग कर सकता है, प्रॉपर अपनी एक्सरसाइज कर सकता है। तो देखें, जब वो एक्सरसाइज कर रहा था तो उस दौरान उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन और हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है। आप खुद ऑब्जर्व कीजिएगा कभी कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तेज या आप रनिंग करते हैं उस दौरान आपका सांस लेने का अमल ज्यादा तेज हो जाता है एज कम्पेयर टू जब आप रेस्ट में आहिस्ता आहिस्ता चल रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आपका सांस लेने का अमल तेज होगा इसका मतलब है आपकी हार्ट बीट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके अलावा आपकी जो बॉडी की ऑक्सीजन की सप्लाई है, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई और फूड। अब देखिए, हम सांस क्यों लेते हैं? ताकि हम अपनी बॉडी से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकें और ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके आ सकें। तो जब हमने O2 को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है, तो इसका मतलब है इसके लिए भी तो प्रॉपर एक सिस्टम चाहिए ना। तो उसके लिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी हेल्प करता है ताकि जब उसको ऑक्सीजन और फूड मिलेगी प्रॉपर, तो फिर मसल्स क्या करेंगे, मसल्स भी अपना जो काम करने के लिए नीड फॉर वर्कआउट, उसको काम करने के लिए मसल्स को जो एनर्जी चाहिए, जो ऑक्सीजन चाहिए, जो खुराक चाहिए, वो कौन उसकी मदद कर रहा है? वो रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम उसकी मदद कर रहे हैं। जब ब्लड तेजी के साथ फ्लो करेगा तो ऑटोमेटिकली पूरे जो जिस्म है, पूरा जो हमारी बॉडी है, उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, फूड का लेवल हाई हो जाएगा तेजी के साथ फ्लो करने की वजह से। तो ये तीनों सिस्टम मिलकर जो है वो उसकी मदद करेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, उसके जो ऑर्गन सिस्टम है वो प्रॉपर आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं। कोऑर्डिनेशन के बगैर कभी भी एक बॉडी जो है वो काम नहीं करती। तो सारे ऑर्गन सिस्टम जो है वो आपस में मिलकर काम करते हैं, तभी एक ह्यूमन बीइंग या किसी भी और स्पीशी का मेंबर जो है वो सर्वाइव करता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा इंडिविजुअल लेवल के बारे में कि मुख्तलिफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक इंडिविजुअल को बनाते हैं, यानी एक मेंबर को बनाते हैं। फिर उस मेंबर के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, वो तमाम के तमाम कैसे हो रहे हैं, उसके ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलकर, उसके ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में कोऑर्डिनेशन होती है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो काम करते हैं। फिर हमने एक एग्जांपल देखी कि अगर कोई शख्स एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी एक्सरसाइज के दौरान सिर्फ उसके मस्कुलर सिस्टम काम नहीं करता बल्कि उसके साथ उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम भी काम करता है। जब वो एक्सरसाइज करता है तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। जब हार्ट बीट तेज हो जाएगी इसका मतलब है उसकी सप्लाई जो है ऑक्सीजन की और फूड
क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगी। किसको ज्यादा सप्लाई चाहिए? मसल्स को, क्योंकि मसल्स ही तो दौड़ रहे हैं, मसल तो तेज से काम कर रहे हैं, तो उनको काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो वो इससे मिलेगी उसको और फिर वो अपना काम जो है वो इजीली कर सकेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अपना नेक्स्ट लेवल जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।